हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे सीआरपीसी के प्रोविजंस का किस तरीके से प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है कोर्ट के अंदर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सेक्शन 154 से लेके 160 तक ऑलरेडी कवर किया था, जिसके अंदर हमने बात किया था कि किस तरीके से ये जो सेक्शंस हैं इनका कोर्ट की प्रक्रिया के अंदर, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इन धाराओं का कैसे इस्तेमाल होता है। हालांकि इनके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जहाँ पर हमने डिटेल में बनाया है वो थ्योरेटिकल है, मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली समझने के लिए थोड़ा सा दूसरा तरीका होता है कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे समझिए। तो इसलिए हमने धारा 154 से 160 के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश करा है कि ये जो सेक्शंस हैं ये किस तरीके से प्रैक्टिकली इनका इस्तेमाल होता है। अब उसके आगे के सेक्शंस को आज हम कवर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलेंगे कि अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है najeebkhan11, और अगर आप मुझे कॉल करके बात करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है मेरी लेक्चर से जुड़ी हुई, या अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कैसे प्रिपरेशन करें, घर में बैठ के कैसे पढ़ें, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल मी फोर ऐप के थ्रू। मेरी आईडी है वहाँ पे najeebkhan@cm4, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो अब शुरू होता है सेक्शन 161 का प्रोसीजर। अब धारा 160 तक एक बार हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसे पुलिस वालों को हमने बताया कि FIR लिखते हैं, धारा 154 में FIR लिखते हैं, अगर NCR होती है तो धारा 155 होती है, उसमें बाद पुलिस वाले आपको मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं, फिर मजिस्ट्रेट आदेश देता है पुलिस वाले को, पुलिस वाले जो है उसकी फिर से जांच शुरू कर देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए पुलिस वालों ने FIR लिख लिया, अब FIR लिखने के बाद वो जांच करना शुरू करते हैं, तो अब जब वो जांच करना शुरू करते हैं तो अब जांच करने के बाद अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो उनके नॉलेज में, पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि उसको उस अपराध के बारे में जानकारी है, तो पुलिस वाले जो है उसको रिटर्न ऑर्डर के जरिए बुला सकते हैं थाने पर। ये चीज़ सेक्शन 160 के अंदर बताया गया है। वो व्यक्ति हाजिर होने के लिए बाध्य है, अगर वो नहीं बाध्य हो, नहीं हाजिर होगा, तो उसमें इंडियन पेनल कोड की धारा 174 की कार्रवाई उसके अगेंस्ट की जा सकती है। तो सेक्शन 160 के अंदर ये चीज़ बताया गया है। अब उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर कोई लड़का है 15 साल से कम उम्र का, या कोई औरत है, या कोई बूढ़ा है 65 साल का या उसके ऊपर है, तो उस केस में उन लोगों को थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस उनके रेसिडेंस में जाके उनको परीक्षण कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। तो ये चीज़ सेक्शन 160 तक हम लोगों ने कवर किया था। अब ये जांच ही चल रही है, FIR होने के बाद जांच ही चल रही है। अब बताया गया है कि पुलिस वाले भी कैसे परीक्षण करेंगे, कैसे जांच करेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे किसी व्यक्ति को, अब ये चीज़ सेक्शन 161 के अंदर बताया गया। अब सेक्शन 161 के अंदर बताया गया कि जैसे धारा 160 के अंदर पुलिस वाले ने किसी को रिटर्न ऑर्डर देके बुलाया, अब जिस व्यक्ति को बुलाया ज़रूरी नहीं है कि वो अभियुक्त हो, ना तो ज़रूरी है कोई विटनेस हो, तो पुलिस वाले यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, चाहे वो साक्षी हो या वो अभियुक्त हो, यानी चाहे वो विटनेस हो या अक्यूज हो, अगर पुलिस वालों को लगता है कि उसको अपराध की जानकारी है तो पुलिस उसको अपने पास बुला सकती है। अब जब उसको अपने पास बुला लिया, मान लीजिए वो व्यक्ति थाने पर अपीयर हुआ, थाने पहुँच गया, अब धारा 161 के अंदर पुलिस वाले उसको एग्जामिन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। मतलब मान लीजिए जैसे वो बैठ गया, अब उससे पूछने लगे कि जिस दिन अपराध हुआ था आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ आपसे उसका क्या रिश्ता है, इस तरीके से उन्होंने उसको अपना परीक्षण करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अपराध हुआ है, कोई फोर्जरी से रिलेटेड अपराध हुआ है कि कोई फर्जी कागजात बना दिए, तो पुलिस वाले मांगेंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट पेश करिए, जो आपके दस्तावेज़ हैं, जो आप टाइटल का क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, उसका कागज़ हमें दिखाइए। तो ये धारा 161 में जो है पुलिस वाले जो है उस व्यक्ति का परीक्षण करते हैं। अब इसको पुलिस वाले ओरली करते हैं, मतलब पूछ के बोल के सिर्फ उसका ओरली करते हैं, लेकिन पुलिस वाले चाहें तो जो बयान दिया गया उसको लिख भी सकते हैं, और जो व्यक्ति से वो सवाल पूछ रहे हैं वो उसका जवाब, उसका उत्तर देने के लिए बाध्य है, बाउंड है। अगर वो जवाब नहीं देगा तो उस पर सेक्शन 179 की कार्रवाई की जा सकती है। और अगर मान लीजिए वो झूठ बोल देता है, जो चीज़ पूछते हैं उसे झूठ बोलता है, तो उस पर सेक्शन 202, 203 की कार्रवाई की जा सकती है उसके अगेंस्ट। अब लेकिन यहाँ एक जगह पर वो व्यक्ति जो पुलिस वाले थाने पर हाजिर हुआ है, जो व्यक्ति, वो बाध्य नहीं है, उस जगह पे वो बाध्य नहीं है। अगर उससे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब देने पे उसको लगता है कि हम खुद फंस जाएंगे, तो उस जगह पे उसका जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है, वो बाध्य नहीं। तो ये सेक्शन 161 का प्रोसीजर है कि पुलिस वाले किस तरीके से परीक्षण करेंगे। अब ये सेक्शन 161 का जो स्टेटमेंट होता है, ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये बहुत ही बड़ा, बहुत मजबूत एविडेंस नहीं होता है न्यायालय के सामने।
अब इसके बाद सेक्शन 162 आता है। सेक्शन 162 बताता है कि सेक्शन 161 का क्या प्रोसीजर होगा, जो बयान लिखा गया है धारा 161 में उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो धारा 162 कहता है कि सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये जो धारा 161 का बयान होता है ये ओथ के ऊपर नहीं होता, यानी इसमें ओथ नहीं दिलाई जाती है। और दूसरी चीज धारा 162 कहता है सीआरपीसी का कि जैसे कोई बयान दिया आपने थाने पे जाके, पुलिस वाले ने उसको लिख दिया, तो आपसे पुलिस वाला साइन नहीं करवाएगा, आपसे साइन नहीं करवाएगा। तो ये जो बयान है ये बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए। और जो अगर कोई व्यक्ति जिसका बयान लिखा है पुलिस वाले ने वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस के लिए अपियर होता है कोर्ट के अंदर, मान लीजिए जिसका बयान पुलिस वालों ने लिखा है अभी, अब पुलिस वालों ने बयान लिखने के बाद रिपोर्ट अपना सौंप दिया, रिपोर्ट सौंपने के बाद कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू हो गया। अब ट्रायल जब शुरू हो गया, ट्रायल जब चल रहा है, अब उस ट्रायल के दौरान मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का बयान लिखा गया वो अभियोजन पक्ष के तरफ से अपियर होता है, तो जो अभियुक्त होगा यानी जो अक्यूज्ड होगा, जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट देने, जिसके अगेंस्ट उसने स्टेटमेंट दिया, वो विटनेस उसके अगेंस्ट अपियर हुआ, अक्यूज जो होगा वो उसके स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकता है कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए, उसी गवाह को कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए कि भैया जब पुलिस के सामने तो तुमने ये बात बोली थी, अब यहाँ पे जब आए कोर्ट ने बुलाया तो अब दूसरी बात बोल लो, तो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर प्रोसिक्यूशन जो होगा उसके स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट इसकी परमिशन ना दे, तो बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और धारा 162 ये भी कहती है कि इसका कोई असर जो होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 और सेक्शन 32 क्लॉज 1 पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 163। अब सेक्शन 163 बताता है कि पुलिस वाले जो है किसी तरीके का इंड्यूसमेंट थ्रेट नहीं करेंगे उस व्यक्ति को, ये चीज़ सेक्शन 163 के अंदर बता दी गई। अब उसके बाद आता है सेक्शन 164। अब ध्यान रखिएगा कि ये धारा 164 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप सुनते होंगे धारा 164 का बयान, धारा 164 में बयान करवाया गया। तो अब ये धारा 164 कब पिक्चर में आता है प्रोसीजर में, अब जैसे मान लीजिए FIR हो गई, जांच चल रही है, पुलिस वाले ने किसी को बुलाया, जैसा धारा 160 के अंदर हमने बताया कि पुलिस वाले को लग रहा है कि इसको अपराध की जानकारी है, पुलिस वाले ने ऑर्डर देके उसको बुलाया, वो हाजिर हुआ, पुलिस वालों ने उसका परीक्षण करना शुरू किया। अब जब उसका परीक्षण करना शुरू किया तो उसने कोई अपराध को कबूल लिया कि हाँ मैंने किया अपराध, उसने पुलिस वाले के सामने कबूल दिया, लेकिन अब पुलिस वाले के सामने कबूल तो दिया लेकिन पुलिस वाले के सामने कोई कन्फेशन किया हुआ वो न्यायालय के अंदर एडमिसेबल ही नहीं है। अगर आपने पुलिस वाले के सामने कोई कन्फेशन किया है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल ही नहीं है। हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से लेकर 26 तक ऑलरेडी ये बात बताई है, डिटेल में कवर किया है इसके ऊपर। तो अब पुलिस वाले क्या करें, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुलाया, वो अभियुक्त है, वो बैठ गया पुलिस वाले के सामने, उसने कन्फेशन कर दिया, लेकिन पुलिस वालों को पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पुलिस वालों को किया गया वो कन्फेशन मान्य नहीं, तो उस केस में पुलिस वाले उसको जो है लेके चले जाएंगे उनके जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं रिकॉर्ड कर सकता कन्फेशन, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा अगर पूछ लिया गया कभी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। धारा 164 का बयान और कन्फेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तब ये लेके चले जाते हैं पुलिस वाले मजिस्ट्रेट के पास धारा 164 में जाके। फिर धारा 164 में जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, जो व्यक्ति जो कन्फेशन कर रहा था पुलिस वाले के सामने, वही मजिस्ट्रेट के सामने जब अपियर होता है तो मजिस्ट्रेट उससे पूछते हैं ये सारी बता के कि क्या तुम इसको वॉलंटियरली कह रहे हो, तुम्हारे ऊपर किसी तरीके का जोर, कोई दबाव, किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं बनाया, क्या तुम ये अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हो, अपनी फ्री विल से कर रहे हो, कोई तुम्हारे पर किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद जो सेक्शन 281 है उसके हिसाब से उसका कन्फेशन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, उसको ये चीज़ें बता देता है कि ये जो तुम कन्फेशन कर रहे हो, ये जो तुम अपराध कबूल रहे हो, तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद उसको रिकॉर्ड कर देता है। पर इसमें कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए वो ओथ नहीं दिलाएगा, जो अभियुक्त है उसको ओथ नहीं दिलाएगा, अगर ओथ दिला दिया तो ये जो एविडेंस, ये जो रिकॉर्ड किया गया कन्फेशन, ये पूरे तरीके से बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दिखा रहा है मैजिस्ट्रेट तो उस पर ओथ एडमिनिस्टर कर सकता है। तो ये धारा 161 से लेके 164 का प्रोसीजर है सीआरपीसी का।